हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्य क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम पार्ट सेकेंड। इम्यूनोलॉजी का ये पार्ट सेकेंड है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था कि व्हाट इज इम्यूनिटी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी। अब हम देखेंगे इसमें कौन से सेल्स और ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो एक इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, किसी भी होस्ट में एक इम्यून सिस्टम क्या काम करते हैं, डिफेंसिव सिस्टम की तरह काम करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जिसमें बहुत से वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सेल्स आ गए, टिश्यूज और ऑर्गन्स आते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी फॉरेन सब्सटेंसेस को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जो सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक इम्यूनिटी के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये ल्यूकोसाइट्स होते क्या हैं? ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं, इररेगुलर अमीबॉइड सेल्स होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। अब जितने भी जो ल्यूकोसाइट सेल्स होंगे वो किससे अराइज होंगे? फ्रॉम अ टाइप ऑफ सेल कॉल्ड हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स। नाउ बिफोर गोइंग इनटू द व्हाट इज हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, यू शुड बी नोइंग व्हाट इज स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं दो कैपेसिटी से। पहला कि उसकी एबिलिटी हो कि अपने आप को वो रीजनरेट कर सके या सेल्फ रिन्यू कर सके। दूसरा कि उसकी एक एबिलिटी हो कि अपने आप को वो डिफ्रेंशिएट कर सके डाइवर्स सेल टाइप्स में, मींस कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को डेवलप कर सके। ये बहुत ही वेरी लेस इन नंबर पाए जाते हैं। ये मसल सेल्स टू ब्रेन सेल्स बनाते हैं, यानी कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनाने का काम करते हैं। अब हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स क्या होता है? हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स एक रेयर पॉपुलेशन है सेल की। कहाँ पे पाई जाती है? ये बोन मैरो में पाई जाती है। और इनका काम क्या होता है कि ये थ्रू आउट द लाइफ स्पेन ये जितने भी जो मैच्योर ब्लड सेल्स होती हैं उनको रिफिल करने काम करती हैं। उनको डेवलप कहाँ से होती है? ये हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स की ब्लड सेल्स डिराइव्ड होती हैं, लाइक रेड ब्लड सेल्स, ग्रैनुलोसाइट्स, माइक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, लिम्फोसाइट्स। सब कहाँ से राइज होगी? हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से राइज होंगी। अ हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल इज अ मल्टीपोटेंट सेल्स। अब दो वर्ड आते हैं, प्लूरीपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट का मतलब क्या होता है कि ये मल्टीपल सेल्स बनाएंगे, मल्टीपल सेल टाइप्स बनाएंगे, लेकिन एक होल ऑर्गेनिज्म नहीं बनाएंगे। इट कैन मेक अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म बट नॉट फुल ऑर्गेनिज्म। मल्टीपोटेंट क्या होता है? मल्टीपोटेंट मीन्स इट वुड मेक लेसर टाइप ऑफ सेल्स देन प्लूरीपोटेंट। ये प्लूरीपोटेंट से कम लेसर टाइप ऑफ सेल्स बनाएंगे। अब जितने भी जो एडल्ट वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या होता है? एक हेमाटोपोएसिस होता है। हेमाटोपोएसिस क्या होता है? हेमाटोपोएसिस इज द प्रोसेस बाय विच हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर ब्लड सेल्स। किसमें वो डिफरेंशिएट हुए? मैच्योर ब्लड सेल्स में। उसी प्रोसेस क्या कहते हैं लोग? हेमाटोपोएसिस। और ये हेमाटोपोएसिस होता क्या है? बोन मैरो में होता है। नाउ दिस इज अ हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स। कहाँ पे प्रेजेंट है? बोन मैरो में। अब ये क्या है? हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स सेल्फ रिन्यू है स्टेम सेल से, ये रिजेनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है इनकी। अब ये प्लूरीपोटेंट मीन्स इट विल गिव राइज ऑल द ब्लड सेल्स नॉट ऑल बॉडी सेल्स। अब ये किसमें डिफ्रेंशिएट होंगे? एक मिलोइड प्रोजेनेटर, लिम्फोइड प्रोजेनेटर। मिलोइड प्रोजेनेटर से क्या होंगे? ये जितने भी जो है मोनोसाइट, बेसोफिल, साइनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब क्या? ब्लड सेल्स। अब जितने भी जो ये सब ब्लड सेल्स किससे अराइज हो रही है? मिलोइड प्रोजेनेटर से। लेकिन मिलोइड प्रोजेनेटर क्या है? मल्टीपोटेंट है। मल्टीपोटेंट मीन्स कि ये लेसर नंबर ऑफ सेल टाइप्स को डेवलप करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कुछ ब्लड सेल्स तो बना रही है लेकिन सारे ब्लड सेल्स नहीं बना रही है। फॉर एग्जाम्पल बी और टी सेल्स भी क्या है? एक टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स के टाइप्स हैं। तो यानी कि ये ब्लड सेल्स बना तो रही है बस ऑल काइंड ऑफ ब्लड सेल्स नहीं बना रही हैं। लिम्फोइड प्रोजेनेटर इट विल गिव राइज टू डेंड्रिटिक सेल, नेचुरोक्यूलर सेल्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स। नाउ दिस इज अ डायग्राम हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। ये कहाँ पे है? बोन मैरो में। अब ये सेल्फ रिन्यूइंग है, ये मिलोइड प्रोजेनेटर और लिम्फोइड प्रोजेनेटर में डिफरेंशिएट होंगी। अभी मिलोइड और लिम्फोइड क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स
को डेवलप करेंगे। अब ये कहाँ पे जा रहे हैं, ये अब बोन मैरो से ट्रांसफर होकर ये पेरिफेरल टिश्यूज में जाएंगे। अब आता है लिम्फोइड प्रोजेनिटर। व्हाट आर लिम्फोसाइट्स? लिम्फोसाइट हैं क्या? इट इज़ अ टाइप ऑफ डब्ल्यू बी सीज प्रेजेंट इन द ब्लड एंड लिम्फ ऑफ अवर बॉडी। कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्लड में और लिम्फ में। अराउंड 20-25% ऑफ डब्ल्यू बी सीज आर बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। मेजॉरिटी में क्या है? बी और सॉरी 20-25% बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं, जिसमें से 99% ऑफ द सेल्स ऑफ द लिम्फ कैसे हैं? लिम्फोसाइट्स हैं। अभी लिम्फोसाइट्स कैसे हैं? राउंडेड हैं, इसमें लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस हैं एंड वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म। अब जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं कहाँ पाए जाते हैं? लिम्फोइड ऑर्गेंस में पाए जाते हैं, लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स एसेट्रा। ये लिम्फोइड ऑर्गेंस होते क्या हैं? देखिए, जितने भी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? स्टेम सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं। वो स्टेम सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? बोन मैरो में। फिर बाद में क्या होंगे, ये आगे मैच्योर और डिफरेंशिएट कहाँ पे होंगे? एक स्पेसिफिक ऑर्गेंस में जाके मैच्योर और डिफरेंशिएट होंगे। फॉर एग्जांपल, बी लिम्फोसाइट कहाँ मैच्योर होगा? बोन मैरो में। टी लिम्फोसाइट कहाँ पे होगा? थाइमस में होगा। अब ये बी और टी लिम्फोसाइट है, आगे जब एंटीजन का इनका एक्सपोजर होगा तो इफेक्टर सेल्स और मेमोरी सेल्स में डिफरेंशिएट कर जाएंगे। यानी कि ये क्या करेंगे, ये लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, किसी भी फॉरेन पैथोजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करती हैं। अब इसमें बी और टी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने बताया था बी सेल्स में क्या होती है, एंटीबॉडीज का लेना देना होता है, और टी सेल्स क्या होती हैं, एंटीबॉडीज को छोड़ के जितने भी जो सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी? ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी ये। अब लिम्फोसाइट्स के कुछ टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन टाइप्स, बी सेल्स, टी सेल्स एंड के सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। लेट्स लर्न मोर इन डिटेल अबाउट ईच ऑफ दिस लिम्फोसाइट्स। फर्स्ट बी लिम्फोसाइट्स। बी सेल्स का नेम कहाँ से आया? सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था? दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन बर्ड्स। कहाँ पे? ये बर्ड्स ऑफ फेब्रिसियस। बर्ड्स ऑफ फेब्रिसियस क्या है? ये बर्ड्स में, फाउल में, कोयल का रीजन में पाए जाते हैं ये। तो यहीं पे सबसे पहले देखा गया था बर्ड्स ऑफ फेब्रिसियस में। इनका साइट ऑफ मैच्योरेशन है कहाँ? ये यहीं पे मैच्योर होते हैं बी सेल्स बर्ड्स के केस में। तो दे गॉट देयर नेम, देयरफॉर दे गॉट देयर नेम बी सेल्स। लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म में बर्ड्स ऑफ फेब्रिसियस प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहाँ पे साइट ऑफ मैच्योरेशन काम नहीं करता है। अगर हम बात करें ह्यूमंस और कुछ मैमल्स की बात करें तो मेन साइट क्या है इनका मैच्योरेशन का, बी सेल का? बोन मैरो। कौन सा मेन साइट है? बोन मैरो। और ये क्या करते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी को एक्सप्रेस करते हैं। अब जो मैच्योर बी सेल्स होगा, जब किसी भी एक एंटीजन पे उनका एक्सपोजर होगा तो उसके रिस्पॉन्स में बी सेल्स क्या करेंगे, जो मैच्योर बी सेल्स है वो सिंथेसाइज करेंगे, और एक क्या कर सिंथेसाइज करेंगे, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करेंगे। अब वो एंटीबॉडीज किससे जुड़ जाएंगे, एक स्पेसिफिक एंटीजन से जुड़ जाएंगे। कैसे? एक मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी, एक रिसेप्टर से, इसे बी सेल रिसेप्टर कहते हैं, बी सी आर। अब ये एक्टिवेटेड बी सेल्स किसमें फर्दर डिफरेंशिएट होंगी? प्लाज्मा सेल्स और इफेक्टर सेल्स में होंगे। दे आर द ओनली सेल टाइप कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। बी सेल्स के अलावा कोई भी सेल्स एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। यही सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। देयरफॉर द सेंट्रल सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्सेज के सेंट्रल सेलुलर कंपोनेंट है। नाउ टी लिम्फोसाइट्स। अब इनका साइट ऑफ मैच्योरेशन ये बोन मैरो से तो राइज होते हैं, ऑल हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स अराइज इन द बोन मैरो। इनका साइट ऑफ मैच्योरेशन कहाँ है? थाइमस। देयरफॉर दे गेट देयर नेम टी सेल्स। अब ये क्या करेंगे टी सेल्स, ये थाइमस से ये माइग्रेट करेंगे। कहाँ पे माइग्रेट करेंगे? थाइमस ग्लैंड में जाएंगे, वहाँ पे ये मैच्योर होंगे। बोन मैरो से थाइमस ग्लैंड में जाएंगे मैच्योर होने के लिए, टू अटेन मैच्योरिटी। अब ड्यूरिंग इट्स मैच्योरेशन व्हाट विल हैपन विद इन द थाइमस, द टी सेल कम्स टू एक्सप्रेस अ यूनिक एंटीजन बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स। इसमें भी क्या होता है, लाइक बी सी आर, इसमें भी टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं इनके मेम्ब्रेन में।
अब ये टी सेल्स क्या करेंगे, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट दे परफॉर्म वेरियस इफेक्टिव फंक्शंस। अब हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि MHC क्या होते हैं, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, उसी के बेसिस पे हम टी सेल्स किस में डिफ्रेंशिएट होंगे। वो एक कॉम्प्लेक्स होते हैं जो एक एंटीजन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर किसी भी टी सेल्स के मेम्ब्रेन पे अगर CD4 प्रेजेंट है तो वो क्या बनाएंगे, हेल्पर। अगर CD4 है तो वो टी हेल्पर सेल्स बनाएंगे। अगर अगर CD8 मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है तो वो साइटोटॉक्सिक सेल्स बनाएंगे। ये सब हमने डिटेल में फर्स्ट पार्ट में देख चुके थे। अब आता है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स ऑल्सो कॉल्ड एज NK सेल्स आर अ पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी एंड दे डू नॉट हैव एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। इनमें आप कोई भी एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है, ये ट्यूमर सेल्स को एलिमिनेट करते हैं या फिर वो सेल्स जो वायरस से इन्फेक्ट हो गए, इन्फेक्टेड सेल्स को एलिमिनेट करने काम करते हैं। इनमें ना ही तो कोई मेमोरी सेल्स का कोई लेना, कोई मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होती नहीं है। BOT सेल्स में क्या होते हैं, मेमोरी सेल्स बने थे जब प्राइमरी एक्सपोजर हो रहा था फर्स्ट टाइम, तो बी बी सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस कर रहे थे। अब जब सेकेंड एक्सपोजर होगा तो मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन करने लगेंगे। तो इसमें नेचुरल किलर सेल्स में कोई भी मेमोरी सेल्स नहीं होती हैं। ये इनका काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस करते हैं। ये फैगोसाइटोसिस करके टारगेट सेल को किल करते हैं, और साथ में फैगोसाइटोसिस के अलावा भी क्या करते हैं, ये कुछ बायोलॉजिकली पोटेंट मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं। वो कुछ ग्रैन्यूल्स रिलीज करते हैं जो कि उनके जो किसी भी फॉरेन सब्सटेंसेस हैं उनको क्या कर सकेंगे, उनको लाइसिस कर, उनका ब्रेक डाउन कर सकेंगे ताकि वो किल हो जाए, मर जाए वो। अब ये क्या करते हैं, दे डिस्टिंग्विश द नॉर्मल सेल्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल्स। कैसे पहचानेंगे कि ये एबनॉर्मल सेल्स है या फिर ये इन्फेक्टेड या फिर कोई कैंसरस सेल्स है, कैसे, एक MHC क्लास फर्स्ट सरफेस मॉलिक्यूल से, जो कि किसमें, जो MHC क्लास फर्स्ट जो मॉलिक्यूल्स है ये एबनॉर्मल सेल्स में एबसेंट होते हैं। बताया था मैंने कि MHC क्लास फर्स्ट जितने भी जो वर्टिब्रेट में जो न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं सब में, सब सारे जो न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं वो MHC क्लास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं वो इनमें एबसेंस होता है ना। तो क्वेश्चन अराइजेस, ये कैसे ये रिकग्नाइज करेंगे। अब ये इन्होंने क्या रिकग्नाइज कर दिया कि भाई कोई एक एबनॉर्मल सेल्स में MHC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल्स ही एबसेंस है। अब भी क्या करेंगे, उनको उनकी जितने उस सेल्स को डाउन रेगुलेट कर देंगे। डाउन रेगुलेट मीन्स उनके जो सरफेस पे जितने भी रिसेप्टर्स हैं उस टारगेट सेल को, रिसेप्टर्स को डिक्रीज कर देंगे ताकि वो सेल्स लेस सेंसिटिव हो जाए किसी भी हार्मोन में या फिर किसी भी अनदर एजेंट से, वो लेस सेंसिटिव हो जाए वो अपना, और वो उनको उसके ऊपर काम करेंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे। अब ये क्वेश्चन नाउ अराइजेस कि हाउ कैन सेल्स रिकॉग्नाइज एन एब्सेंस, ये पहचानेंगे कैसे। देखिए, जब भी मैंने क्या बताया कि जितने भी जो न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं उसमें MHC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करते हैं। जब भी MHC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल्स जो इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किसी भी और सेल्स को मरने से, बचाते हैं उनको, उनकी एबिलिटी को इनहिबिट कर देते हैं कि बाकी सेल्स किल ना हो। अब जब एंजियो नेचुरल किलर सेल्स एनकाउंटर करेगा उन सेल्स से जिन्होंने अपने MHC क्लास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स खो दिया है, लॉस्ट हो गए उनके सरफेस से, अब ये रिसेप्टर्स नहीं है, अब ये रिसेप्टर्स नहीं है तो कोई उनको रोकने के लिए भी नहीं होगा, तो ये जो नेचुरल किलर सेल्स क्या करेंगे, वो साइटोटॉक्सिक टेंडेंसीज होती हैं इनके, कि ये क्या करेंगे, इनके कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोटिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रिलीज करेंगे जिससे वो एबनॉर्मल टारगेट सेल को किल कर देंगे। दे आर ऑल्सो एक्टिवेटेड बाई साइटोकाइंस नोन एज अ इंटरफेरॉन्स। एक्टिवेटेड नेचुरल किलर सेल्स रिलीज साइटोटॉक्सिक ग्रैन्यूल्स विच किल इन्फेक्टेड सेल्स। अब आते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स की डिस्कवरी सबसे पहले किसने किए थे, रेल्फ स्टेमेन ने किए थे mid-1970s, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब ये डेंड्रिटिक सेल्स क्या काम करते हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्सेस को इनिशिएशन में काम करते हैं। इनका नेम डेंड्रिटिक सेल्स पड़ा क्यों, क्योंकि इनको ये कैसे रिजेंबल करते हैं, अगर हम
अगर हम जो नर्व सेल्स के डेंड्राइट्स को देखें तो हूबहू डेंड्रिटिक सेल्स भी वैसे होते हैं। इनमें लॉन्ग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं, डैट्स वाई इनको हम डेंड्रिटिक सेल्स कहते हैं। अब ये डेंड्रिटिक सेल्स कहाँ पे होते हैं? बोन मैरो डिराइव सेल्स होते हैं। जिनमें सेल्स होते हैं ब्लड सेल्स, दे ऑल डिराइव फ्रॉम द बोन मैरो। और ये मिलोइड और लिम्फोइड लीनेजेस, जो मिलोइड और लिम्फोइड प्रोजेनेटर दोनों डेंड्रिटिक सेल्स को अराइज करते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है कि किसी भी एक लोकेशन से ये एंटीजन को कैप्चर करते हैं और दूसरी जगह पे एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करते हैं। अगर हम आउटसाइड द लिम्फ नोड्स की बात करें, अगर लिम्फ नोड्स के बाहर की बात करें, तो जो इमेच्योर फॉर्म होते हैं इस डेंड्रिटिक सेल्स के, ये काम करते हैं। कोई भी जब पैथोजेंस हमारे बॉडी में इन्वेड करते हैं तो उनके साइन ऑफ इन्वेंशन को मॉनिटर करते हैं और उनको कैप्चर करने का काम करते हैं। अब जब ये क्या काम करेंगे, एंटीजन को कैप्चर करेंगे, फिर वो उसको लेकर जाएंगे लिम्फ नोड्स पे, जहाँ पे लिम्फ नोड्स में क्या है, टी सेल्स प्रेजेंट है। अब टी सेल्स क्या करेंगे, इन पे काम करेंगे और एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस को इनिशिएट करेंगे। वैसे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंड्रिटिक सेल्स पाए जाते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स में क्या होता है कि ये हाई लेवल्स ऑफ क्लास सेकेंड एमएससी मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करते हैं और एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम करते हैं। मीन्स कि ये एंटीजन को कैप्चर करेंगे और उसको टी सेल्स के पास पहुँचाएंगे। अब डेंड्रिटिक सेल्स क्या काम करेंगे, फैगोसाइटोसिस का भी काम करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन, एक पॉइंट है कि जो फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, ये भी क्या टाइप ऑफ डेंड्रिटिक सेल्स है, लेकिन ये ना ही बोन मैरो से ये अराइज होगा। जो मैं जितने भी फंक्शन बताए, ये कोई भी फंक्शंस को फॉलो नहीं करेगा। ये बहुत ही डिफरेंट होता है एक एंटीजन प्रेजेंटेड डेंड्रिटिक सेल्स से। ये ना ही क्लास सेकेंड एमएससी मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करता है, इसीलिए कि इसको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी काम नहीं करते हैं। ये इनका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि कहाँ पे पाए जाते हैं, लिम्फ फॉलिकल्स में पाए जाते हैं। लिम्फ फॉलिकल्स बेसिकली होता है क्या, ये मासेस ऑफ टिश्यूज होते हैं जिनमें बहुत से इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, मेनली बी सेल्स और कुछ टी सेल्स भी पाए जाते हैं। तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं, इनका नाम फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स रहता है, ये बात याद रखिएगा। देखिए ये डेंड्रिटिक सेल ये कैसे है, ये हाई रेजोल्यूशन में इसका इमेज लिया गया है। ये क्या है, डेंड्राइट्स के रिजेंबल कर रहा ऑफ द नर्व सेल, दैट्स व्हाई इट्स गॉट द नेम डेंड्रिटिक सेल्स। अब आता है मिलोइड प्रोजेनेटर, वो तो लिम्फोइड प्रोजेनेटर की बात थी। अब मिलोइड प्रोजेनेटर क्या है, सेल्स दैट अराइज फ्रॉम अ कॉमन मिलोइड प्रोजेनेटर, जिसमें रेड ब्लड सेल्स हो गए और बहुत से वेरियस टाइप्स ऑफ WBC सेल्स आगे। दे आर द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड टू द इन्वेंशन ऑफ अ पैथोजन एंड टू कम्युनिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंसल्ट टू द सेल्स ऑफ द लिम्फोइड लीनेज। अब आते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स क्या है, फ्रंट लाइंस ऑफ अटैक है। जब भी कोई इम्यून रिस्पॉन्स, सबसे पहले क्या आएंगे, ग्रैनुलोसाइट्स आएंगे एंड दे आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द इननेट इम्यून सिस्टम। ग्रैनुलोसाइट्स क्या है, दे आर द टाइप ऑफ द WBCs और किसमें क्लासिफाइड है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मास सेल्स और साइनोफिल्स। किसके बेसिस पे, कि उनका साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स कैसा है, कौन सा उनके जो ग्रैन्यूल्स वो स्टेन कर रहे हैं, उनके सेलुलर मॉर्फोलॉजी कैसे है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कैटराइज रहेंगे। अब जितने भी जो ग्रैनुलोसाइट्स है, कैसे मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई हैं, बहुत से लोब पाए जाते हैं इनके न्यूक्लियस में, जिनको हम इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकी लिम्फोसाइट्स में, क्योंकि बाकी लिम्फोसाइट्स के न्यूक्लियाई कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, लेकिन ग्रैनुलोसाइट्स के क्या होते हैं, मल्टी लोब होते हैं, सो दैट कैन दे कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर्स। अब इनके साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में क्या है, ग्रैन्यूल्स है। अब इस ग्रैन्यूल्स में क्या है, कुछ रिएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं और इन्फ्लेमेशन को इन्हांस करने का काम करते हैं। नाउ दिस ये क्या ग्रैनुलोसाइट्स हैं, देखिए ये कैसे मल्टी लोब्ड है, साइनोफिल्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, जबकि ये लिम्फोसाइट कैसा है, ये राउंड न्यूक्लियाई है। इसी के बेसिस पे हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम द अदर सेल्स। नाउ न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स दे आर मेजोरिटी में पाए जाते हैं, दे आर मोर न्यूमरस, अबाउट 70% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स। ये क्या है, वैनगार्ड की तरह काम करते हैं, फॉर्म्स द वैनगार्ड ऑफ द सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्सेज। वैनगार्ड में सबसे पहले जो फॉरमोस्ट पार्ट होते हैं ना एडवांसिंग आर्मी के, सबसे पहले इन्हें न्यूट्रो
न्यूट्रोफिल्स ही सामने इनका होता है। इनमें भी क्या हो गया, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, बेस 3 to 5 लोब्ड होते हैं, और इनके ग्रैन्यूल्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, किससे स्टेंड होते हैं, एसिडिक और बेसिक डाई से, मीन्स न्यूट्रल डाई से होते हैं, इसलिए इनका नाम न्यूट्रोफिल्स रखा गया है। अब ये क्या है, फैगोसाइटोटिक इन नेचर है, मतलब ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, और क्या काम करते हैं, ये स्केवेंजर्स की तरह भी काम करते हैं, मतलब ये सेल डर्बिस को रिमूव करते हैं, और डाइपेडियसिस भी करते हैं, मतलब जहाँ पे जो साइट ऑफ इंजरी है वहाँ पे स्कैपुलरी वॉल्स में स्क्वीज आउट, मतलब किसी तरह निकल जाते हैं, डाइपेडियसिस भी करते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये किससे बनते हैं, हेमाटोपोएसिस जब होगा बोन मैरो में, तब ये न्यूट्रोफिल्स बनेंगे। अब ये न्यूट्रोफिल्स कहाँ पर रिलीज होंगे, पेरिफेरल ब्लड में रिलीज होंगे, बोन मैरो से कहाँ चले गए, वो ब्लड में चले गए, जहाँ पे वो सर्कुलेट होंगे 6 to 7 hours होंगे बिफोर माइग्रेटिंग इनटू द टिश्यूज, जहाँ पे इनकी बहुत ही कम लाइफ स्पैन होती है। अब वैसे क्या होता है कि जब WBCs जब किसी भी एंटीजन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्ट्रगल कर रही होती है तो बहुत से WBCs मारे जाते हैं। अब ये जो WBCs हैं ये कहाँ पे जो इन्फेक्टेड एरिया में एक्यूमुलेट्स कर जाते हैं, साथ में कुछ प्लाज्मा भी एक्यूमुलेट कर जाता है। अब क्या क्या उस इन्फेक्टेड एरिया में, कुछ डेड ल्यूकोसाइट्स हैं, कुछ डेड WBCs हैं, उसके साथ साथ क्या है जो आसपास जो टिश्यू सेल्स डिस्ट्रॉयड हुए हैं, जो और क्या है इनके साथ डेड या फिर जो जिंदा लाइफ माइक्रोब्स है, और ये प्लाज्मा मिलकर क्या बनाएंगे, पस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पस सेल्स। अब ये ब्लड में वापस रिवर्ट नहीं करते हैं, जबकि क्या बनाते हैं, पस सेल्स बनाते हैं और डाई हो जाते हैं। देखिए ये क्या काम करेंगे, फैगोसाइटोसिस बैक्टीरिया फैगोसाइटोसिस करेंगे ये। नाउ दिस इज अ न्यूट्रोफिल, देखिए मल्टीपैट्रिक न्यूक्लियस है, 3 to 5 लोब है, दिस इज अ हाई रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इमेज, 1, 2, 3 लोब। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स कैसे है, लोब्ड न्यूक्लियस है, मीन्स इसमें 3 लोब्ड होते हैं, इनके न्यूक्लियस कैसे होते हैं, 3 लोब्ड होते हैं, और इनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं उनमें एसिडिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसीलिए किससे स्टेंड होते हैं, बेसिक डाइस से होते हैं, मिथाइलिन ब्लू से, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, बेसोफिल्स कहते हैं। इनमें क्या होते हैं, लेस देन 1% होते हैं ऑफ टोटल WBCs। ये क्या होते हैं, नॉन फैगोसाइटोटिक होते हैं, साइटोटिक होते हैं, मतलब ये फैगोसाइटोसिस नहीं करेंगे, क्या काम करेंगे, एलर्जिक रिस्पॉन्सेस को कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे जो एलर्जी रिस्पॉन्सेस को कॉज करेगा। अब जो इनमें जो साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, हेपेरिन हिस्टामिन पाए जाते हैं। हेपेरिन क्या होता है, ये एंटीकोलिगुलेंट का काम करते हैं, यानी कि हमारे जो ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट, जो ब्लड को क्लॉट करने से बचाते हैं हेपेरिन। और हिस्टामिन क्या है, ये इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, ये क्या करेगा, ये जब एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है तो ये रिलीज होते हैं, उस इंजर्ड टिश्यूज में जाएंगे, वहाँ पे ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे, वहाँ पे ब्लड फ्लो कंटिन्यूसली होता रहे। दिस इज अ बेसोफिल। अब आते हैं मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स आर रिलीज फ्रॉम द बोन मैरो इनटू द ब्लड। कैसे होंगे रिलीज होंगे, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स में होंगे, यानी कि जब कब होंगे, ये ब्लड में पहुंचेंगे तब भी ये क्या करेंगे, मैच्योर होंगे, ये जब मतलब बोन मैरो से बाहर निकल के मैच्योर होंगे। अब ये कहाँ पाए जाएंगे, वाइड वराइटीज ऑफ टिश्यूज में पाए जाएंगे, इंक्लूडिंग द स्किन, कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेन्स एंड म्यूकोसल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द रेस्पिरेटरी जेनाइटो यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्स में पाए जाएंगे। नाउ लाइक सर्कुलेटिंग बेसोफिल्स, इनमें भी क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो कि इसमें ग्रैन्यूल्स में क्या होते हैं, हिस्टामिन होते हैं, और भी बहुत से फार्मोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं। इनका मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में इनका रोल होता है। ये मास सेल्स हैं, देखिए इसमें क्या ग्रैन्यूल्स, क्या हिस्टामिन ग्रैन्यूल्स हैं। अब आते हैं साइनोफिल्स, ये 1 to 3% होते हैं टोटल WBCs में। लाइक न्यूट्रोफिल्स, ये भी क्या होते हैं, मोटाइल फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जो कि ब्लड से कहाँ पे माइक्रो टिश्यू स्पेसेस में जाते हैं। इनमें न्यूक्लियस कैसे है, बाइलोब्ड, और किससे स्टेन होते हैं, एसिडिक डाईओसिन से स्टेन होते हैं। अब इनका जो फैगोसाइटिक रोल है वो सिग्निफिकेंटली लेस है, मतलब
न्यूट्रोफिल्स तो करते ही करते, मेन वही उनका न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन ही होता है फैगोसाइटोसिस करने का, लेकिन इसाइनोफिल्स क्या काम करते हैं, मेन इनका काम क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे डिफेंड करने का काम होता है। मेनली क्या पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग वर्म्स, उनसे हमारी बॉडी को डिफेंड करने का काम करते हैं। कि कहाँ पर, जहाँ पर उस एरिया में जहाँ पर वर्म्स हैं वहाँ पर क्लस्टर्स में पाए जाएंगे, और ये कुछ इसाइनोफिल ग्रैन्यूल्स रिलीज करेंगे जो कि उसके मेम्ब्रेन्स को डैमेज कर देगा, उनको किल कर देगा। उस ग्रैन्यूल्स में क्या होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो कि पैरासाइट्स को किल कर देते हैं या फिर बैक्टीरियल टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं और टिश्यू इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करता है। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स क्या हैं, दे आर अबाउट 5% to 10% ऑफ टोटल WBCs, और ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ सेल्स है क्योंकि इसमें दो टाइप्स ऑफ सेल्स पड़ेंगे, मैक्रोफेजेस पड़ेंगे और डेंड्रिटिक सेल्स पड़ेंगे। ये कहाँ पे माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट इनटू द टिश्यू, एंड और टिश्यू में जाते क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, ये अलग अलग टिश्यूज में जाके ये वहाँ के फैगोसाइटिक सेल्स एक रेसिडेंट बन जाते हैं और फैगोसाइटोसिस करते हैं, जिसमें मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स भी आते हैं। जब हिमाटोपोएसिस जब होता है बोन मैरो में, तो जो ग्रैनुलोसाइट्स जो मोनोसाइट प्रोजेनिटर होते हैं किस में डिफरेंशिएट होंगे, प्रो मोनोसाइट्स में होंगे। अब ये प्रो मोनोसाइट्स बोन मैरो से निकल के कहाँ पे जाएंगे, ब्लड में जाएंगे, जहाँ पे किस में फर्दर डिफरेंशिएट होंगे, मैच्योर मोनोसाइट्स में डिफरेंशिएट होंगे। अब वैसे मोनोसाइट्स में दो कैटेगरीज देखी गई, एक इन्फ्लेमेटरी मोनोसाइट, एक पेट्रोलिंग मोनोसाइट्स। इन्फ्लेमेटरी मोनोसाइट्स कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे इन्फेक्शन होगा वहाँ पे पाए जाएंगे। पेट्रोलिंग मोनोसाइट्स के पेट्रोलिंग का काम करेंगे, मीन्स ये गार्ड करने का काम करेंगे, ये ब्लड वेसल्स में क्रॉल करेंगे, यहाँ पे क्रॉल करते देखे जाते हैं, और ये क्या करेंगे किसी भी मतलब उस जगह को मतलब ये क्या काम करते हैं, उस जगह को प्रिवेंट करते हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, और ये इम्यून रिस्पॉन्सेस को इनिशिएट करेंगे। दिस इज अ मोनोसाइट। अब आते हैं मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट्स किस में आगे डिफरेंशिएट होगा, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस के फैगोसाइट्स सेल्स उसमें डिराइव्ड हुए हैं ब्लड मोनोसाइट्स से हुए हैं। अब वो मोनोसाइट्स जो क्या हो गए, टिश्यूज में माइग्रेट कर गए, वहाँ पे इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में किस में डिफरेंशिएट होंगे, मैक्रोफेजेस में डिफरेंशिएट होंगे। मोनोसाइट्स कैसे हैं, स्मॉल स्फेरिकल सेल्स में क्यों कुछ प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, अबंडेंट साइटोप्लाज्म होते हैं, बहुत से ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। अब लाइक मोनोसाइट माइक्रोफेजेस भी क्या करते हैं, इनके बहुत से डिफरेंट रोल्स होते हैं, ये अलग अलग टिश्यूज में जाके वहाँ पे क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस का काम करेंगे, वहाँ पे रिपेयर का काम करेंगे और रीजनरेशन को रेगुलेट करेंगे। अगर हम बात करें कि ये अगर हम जब ये किसी वेरियस टिश्यूज में जाते हैं वहाँ पे डिफरेंशिएट होते हैं, तो ये अलग अलग एक हिस्टोरिक फॉर्म्स में डिफरेंशिएट होते हैं, जहाँ पे उन सबका काम होता है फैगोसाइटोसिस करने का। अगर हम बात करें कूफर सेल्स की, जो कहाँ पाए जाते हैं, लिवर में पाए जाते हैं, ये भी क्या है, कूफर्स है, फैगोसाइटोसिक सेल्स है, जो क्या करेंगे, कहाँ पाए जाएंगे, लिवर के लाइनिंग में पाए जाएंगे, और मेन काम क्या होता है, आरबीसीस के ब्रेक डाउन का काम होता है। वैसे ही सेम एल्विलर माइक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस कहाँ पाए जाएंगे, लंग्स में पाए जाएंगे, ये प्राइमरी फैगोसाइटोसिस है, जो क्या करते हैं, जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि नेजल पैसेज ग्लॉटिस से अगर इसको किसी भी तरह इन्वेट करके पहुँच जाते हैं एयर स्पेसिस को, तो उसको प्रोटेक्ट करने काम करते हैं। स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस कहाँ पाए जाएंगे, स्प्लिन में पाए जाएंगे, स्प्लिन के अब हम देखेंगे आगे वाइट पल्प में पाए जाएंगे। पेरिटोनियल मैक्रोफेजेस कहाँ पाए जाएंगे, ये पेरिटोनियल फ्लूड में वहाँ पे फ्री फ्लोट करते हुए दिखेंगे। देखिए कैसे है, इसमें कुछ प्रोजेक्शंस लिखे निकले हैं मैक्रोफेजेस में। अब ये तो बातें सारी हो गई थी सेल्स के बारे में, अब हम देखिए क्या क्या इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। तो हमने बताया जितने भी लिम्फोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं, दे आर कंसंट्रेटेड इन द लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब जितने भी जो ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी को बचाते हैं इनवेडिंग पैथोजन से, या फिर क्या काम, या फिर कितने जो इन्फेक्शन से बचाते हैं, या फिर कोई ट्यूमर से स्प्रेड होने से बचाते हैं, उन्हें हम लिम्फोइड ऑर्गन्स कहते हैं। इसमें क्या आगे, बोन मैरो, ब्लड वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स, थाइमस, स्प्लीन और वेरियस और से बहुत से लिम्फोइड टिश्यूज आ गए। अब ये होते क्या है लिम्फोइड ऑर्गन्स, हाँ लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है, ये साइट ऑफ ओरिजन है,
यहाँ से क्या करेंगे, जो लिम्फोसाइट्स हैं वो ओरिजिनेट करेंगे, मैच्योर होंगे, पॉलीफ्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे। ये वही जगह जिनको एक साइट प्रोवाइड करते हैं, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अब ये टू टाइप्स में होते हैं कि कौन से इनके सेल्फ डेवलपमेंट होगा, कैसे मैच्योर करेंगे। तो दो दो पार्ट्स में एग्जिस्ट करते हैं, दो ऑर्गेंस में, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गेंस में। अब प्राइमरी ऑर्गेंस होते क्या, प्राइमरी ऑर्गेंस अगर हम आगे देखेंगे कि वो ऑर्गेंस होते हैं जहाँ पे टी और बी सेल्स का मैच्योरेशन होता है, ठीक, जैसे बोन मैरो। अब दीज ऑर्गेन्स कंसिस्ट ऑफ फ्लूड कनेक्टिव टिश्यूज विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज। द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ लिम्फोसाइट आर प्रेजेंट इन द वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। ये लिम्फॉइड ऑर्गेन्स है, इसमें क्या, टॉन्सिल्स, थाइमस, स्प्लीन, एग्रीगेटेड लिम्फॉइड नोड्यूल्स, अपेंडेज, अपेंडिक्स और बोन मैरो भी, और भी बहुत से होते हैं। अब हम देखेंगे कि टी और बी जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको वहाँ पे मैच्योर होंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे, तो लिम्फेटिक ऑर्गेन्स में होते हैं। अभी लिम्फेटिक ऑर्गेन्स टू में कैटराइज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गेन्स। प्राइमरी ऑर्गेन्स क्या होते हैं, यहाँ पे वो यहाँ पे लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, बनते हैं। उनका मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स में होता है। ये क्या काम करेंगे, यही वही जगह है जहाँ पे टी और बी लिम्फोसाइट मैच्योर होंगे। किस में मैच्योर होंगे, एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग लिम्फोसाइट्स में, उस लिम्फोसाइट्स में जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सके उसमें ये मैच्योर होंगे। इट ऑल्सो सर्व्स बाय जनरेटिंग लिम्फोसाइट्स फ्रॉम इमेच्योर प्रोजेनिटर सेल से भी कुछ लिम्फोसाइट बनते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं का यहीं पे ओरिजन होता है। एग्जाम्पल क्या है इसमें, थाइमस और बोन मैरो क्या है, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेंस, ऑलवेज रिमेंबर। अब हम एक पहले देखते हैं बोन मैरो। अगर हम मैमल्स की बात करें इंक्लूडिंग ह्यूमन्स एंड माइंस, तो बोन मैरो क्या साइट ऑफ मैच्योरेशन है, किसका, बी सेल सिंथेसिस, सिंथाइज यहीं पे होता है, मैच्योर होता है। लेकिन बर्ड्स में हमने क्या देखा था, बर्ड्स ऑफ फेब्रीशियस में होता है, ये कहाँ पर थे, कोएल्का रीजन के पास होते हैं, जहाँ पे लिम्फॉइड, ये लिम्फॉइड सेंटर्स है, यहीं पर लिम्फोसाइट्स बनते हैं, जिसमें एपिथीलियल सेल्स और कुछ लिम्फोसाइट्स हो गए। लेकिन ये तो था हम लोग में मैमल्स में कहाँ पे होते हैं, बोन मैरो। लेकिन बर्ड से पहले तो क्या होगा, बोन मैरो तो होगा नहीं, तो योग सेक हो गया, फीरल लेवर हो गया, या फिर फीटल बोन मैरो, ये सब मेजर साइट्स होते हैं बी सेल मैच्योरेशन का। आफ्टर बर्थ के बाद ही किसमें हो जाते हैं, बोन मैरो में इनका मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब मैच्योरेशन के बाद के जो मैच्योर बी सेल्स होंगे वो कहाँ पे, सर्कुलेटिंग ब्लड से ट्रांसपोर्ट होकर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेंस में जाएंगे। अब वहाँ पे क्या काम करेंगे, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेंस वो प्लेस है जहाँ पे ये किसी भी फॉरेन एंटीजन से एनकाउंटर होंगे, ये वो जगह है। देखिए ये बोन मैरो, बोन मैरो इज द सॉफ्ट इनर टिश्यू ऑफ बोन्स वेयर ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड, ये ब्लड स्टेम सेल्स में डब्ल्यू बी सीज, आर बी सीज और प्लेटलेट्स बनेंगे। अब आता है थाइमस, थाइमस इज द साइट वेयर टी सेल्स मैच्योर। अब जितने भी जो प्रोजेनिटर सेल्स होंगे बोन मैरो से किसमें माइग्रेट करेंगे, थाइमस ग्लैंड पे, जहाँ पे ये किसमें डिफरेंशिएट होंगे, टी सेल्स में। ये फ्लैट है, बाइलोब्ड ऑर्गेन कहाँ पे पाया जाता है, सिचुएटेड अबव द हार्ट। अगर हम बात करें तो ये लोब के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ईच लोब क्योंकि बायोलोब्ड है, तो हर एक लोब किससे सराउंडेड है, कैप्स्यूल्स, और किससे फर्दर डिवाइडेड, लोब्यूल्स में डिवाइडेड है। और इन दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, बीच में कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रैंड्स हो, जिसे हम कहते हैं ट्यूबरकुली कहते हैं। अब हर एक ओव्यूल किसमें ऑर्गेनाइज है, टू कंपार्टमेंट्स में, आउटर कंपार्टमेंट्स जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, और इनर कंपार्टमेंट जिसे हम मेडुला कहते हैं। अब जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो कहाँ पे मैच्योर होते हैं, कॉर्टेक्स में। अब वो माइग्रेट जब किसी भी अब वो कहाँ, जब एंटीजन से इनकाउंटर होगा तो कहाँ पे जाकर इनकाउंटर करेंगे, वो मेडुला में माइग्रेट करेंगे, जहाँ पे पहले से क्या मिलेंगे उनको, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स मिलेंगे। अब वहाँ पे वो क्या करेंगे, थाइमिक सिलेक्शन जाएंगे। थाइमिक सिलेक्शन मतलब क्या होता है कि थाइमस में एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन होता है, जिसमें एक क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो एक एंटीजन से रिएक्ट करते हैं, तो थाइमिक सिलेक्शन होगा, डेवलपमेंट जिससे क्या होगा, ये टी जो सेल्स हैं मैच्योर और फंक्शनल बनेगी। फिर वो कहाँ पे जाएगी, ब्लड सर्कुलेट होते होते पेरिफेरल ब्लड में जाएगी, जहाँ पे वो लिम्फोइड ऑर्गेन से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो इट इज इन
इट इज इन दी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स जहाँ पे टी सेल्स किससे इंकाउंटर होती हैं, फॉरेन एंटीजन से इंकाउंटर होते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करती हैं। और ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये थाइमस है, कहाँ पे, फ्लैट बाइलोब डे सिचुएटेड अबव द हार्ट। ये देखिए कि इसमें आउटर कंपार्टमेंट क्या है, कॉर्टेक्स, और इनर क्या है, मेडुला। इन दोनों के बीच में इंटरलोबुलर सेप्टम है। अब आता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स क्या आते हैं, वो प्लेस जहाँ पे लिम्फोसाइट्स का ओरिजन हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहे थे, डिफरेंशिएट और मैच्योर हो रहे थे। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स क्या है, ये एक साइट प्रोवाइड करता है जहाँ पर लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, एनकाउंटर करेंगे एंटीजन से, इनका सामना होगा, वहाँ पे वो एक्टिवेट होंगे और क्लोनल एक्सपेंशन करेंगे, और किस में डिफरेंशिएट होंगे, प्लाज्मा सिक्रेटिंग सेल्स यानी कि इफेक्टर सेल्स में वो डिफरेंशिएट होंगे, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। जिनमें हाँ इनमें क्या काम देखिए लिखा है, इसमें इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग द साइट्स फॉर द इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन टू बिकम इफेक्टर सेल्स, दे इनिशिएट इन एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज। अब इसमें ऑर्गन्स कौन से होंगे, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स और अपेंडिसिस कुछ एग्जाम्पल है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। ये देखिए ये प्राइमरी लिम्फोइड, ये थाइमस और ये बोन मैरो। सेकेंडरी में क्या है, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और ये कुछ आते हैं टॉन्सिल्स, एडेनोइड्स, ब्रोंकस, मेसेंट्रिक्स और पेयर्स पैचेस आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्प्लीन। स्प्लीन के सबसे लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, सबसे लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। इसका ये क्या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जब भी कोई पैथोजेंस है, जो ब्लड बॉर्न पैथोजेंस मतलब जो ब्लड्स वाया ब्लड डिजीज कॉज करते हैं, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करता है। ये जितने भी जो बॉडी फ्लूड्स होते हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है। और ये होते कहाँ पे, ये एब्डोमल कैविटी में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होंगे, ये लार्ज होते हैं, ओवॉइड होते हैं, ठीक। इनका मेन काम क्या होता है कि जो ब्लड स्ट्रीम से जो एंटीजन आ रहे हैं उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट कर सके, ठीक। और ये मेजर ऑर्गेन है, मेजर ऑर्गेन इन द बॉडी जहाँ पे एंटीबॉडीज सिंथेसाइज होती है, जहाँ से वो रिलीज हो जाएगी इन टू द सर्कुलेशन। अब वैसे ये दो पार्ट्स में होते हैं, टू कंपार्टमेंट इनके होते हैं, रेड पल्प और वाइट पल्प। एक रेड पल्प होता है, एक वाइट पल्प, और ये दोनों किससे सेपरेटेड है, एक मार्जिनल जोन से सेपरेटेड होते हैं। अगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं रेड पल्प, तो रेड पल्प क्या है, ये नेटवर्क है साइनसोइड्स का जिसपे आरबीसीज की पॉपुलेशन ज़्यादा है, माइक्रोफेजेस भी हैं, कुछ लिम्फोसाइट्स भी हैं। अब इसी देखिए स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं, नहीं कहते हैं, लेकिन ये होता क्या है, रेड पल्प में ही जो जितने भी जो ओल्ड डिफेक्टिव आरबीसीज होते हैं यहीं पर डिस्ट्रॉयड और रिमूव होते हैं। कहाँ पे होते हैं, रेड पल्प में होते हैं। वाइट पल्प में क्या होते हैं, ये इसमें कुछ आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, ये आर्टरीज क्या इसमें इस आर्टरीज में क्या होते हैं, बी और टी सेल्स यहीं पर होती हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करने में काम करती हैं। ये देखिए स्प्लीन है कहाँ पे, ये लेफ्ट साइड पे एब्डोमिनल कैविटी पे, ये देखो कुछ आर्टरी है, ये वाइट पल्प है और ये रेड पल्प, ये स्प्लेनिक आर्टरीज हैं। अब आते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स से पहले हम लोग कुछ देखेंगे लिम्फोइड ऑर्गन्स होते क्या। देखिए लिम्फोइड ऑर्गन्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, एक डिफरेंट सर्कुलेटरी सिस्टम से एक दूसरे बीच में कम्युनिकेशन होता है। दो सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से, ब्लड और लिम्फैटिक सिस्टम हो गए। अब जो इम्यून सेल्स के सबसे बॉडी में सबसे मोबाइल सेल्स वही है, वो पूरी घूमती रहती हैं, ब्लड वेसल्स में घूमती रहेंगी, पेरिफेरल टिश्यूज में घूमती रहती है, बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं। अब इनमें क्या होते हैं, इनको जो ट्रेवल करने का जो रास्ता होता है ना टिश्यूज से पहुंचने का, तो दो डिफरेंट सिस्टम यूज़ करती हैं, एक ब्लड और एक लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए ब्लड पता है, ब्लड हर एक ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, हर एक ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई होती रहती है। तो जो इस ये ब्लड से ही क्या होते हैं, जो हेमाटोपोएटिक जो सेल्स होते हैं वो ब्लड से ही ट्रांसफर होते हैं। अवे द हार्ट कहाँ से होंगे, आर्टरीज से, और बैक टू द हार्ट कैसे होंगे, वेंस में होंगे। अब जितने भी जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कैसे इंटर करें, एक स्पेशलाइज ब्लड वेसल्स होता है से इंटर करेंगे और निकलेंगे कहाँ से, ये कहाँ से लीव करेंगे, वाया अ लिम्फेटिक वेसल से लीव करेंगे। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम है क्या, लिम्फेटिक सिस्टम
एक नेटवर्क है थिन वॉल्ड वेसल्स का। क्या है थिन वॉल्ड वेसल्स, जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहें, उनका काम क्या होता है? किसी भी जो इम्यून सेल्स होते हैं उनको ट्रैफिकिंग करने का काम होता है। मतलब इसी 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 वेसल से क्या होंगे, एंटीजन ट्रेवल करेंगे। एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल्स से कहाँ पे ट्रेवल करके जाएंगी, वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गेंस में जाएंगे, यानी कि एक पाथवे का काम कर रहा है लिम्फेटिक सिस्टम। इसी लिम्फ वेसल्स को क्या कहते हैं, लिम्फेटिक्स कहते हैं। अब लिम्फ वेसल्स किससे फिल्ड होते हैं, प्रोटीन रिच फ्लूड से फिल्ड होते हैं, हम लिम्फ कहते हैं। अब वो लिम्फ किससे डिराइव होते हैं, फ्लूड कंपोनेंट ब्लड जो प्लाज्मा होता है उससे डिराइव होता है। यानी कह सकते हैं हम क्या है लिम्फ, क्या है लिम्फ नोड्स, पहले हम देखेंगे लिम्फ होता क्या है। लिम्फ है एक फिल्टर्ड ब्लड प्लाज्मा है, जो कि इसमें क्या होता है प्लाज्मा के कंपैरिजन में इसमें लोअर पोर्शन प्रोटीन कंटेंट होता है। ये कैसे क्लियर होता है, वाटरी फ्लूड होता है जो कि थ्रू आउट द लिम्फेटिक वेसल्स फ्लो करता है। अब जैसे हार्ट जो ब्लड को फ्लो करने के लिए हार्ट पंप करता है कि ब्लड फ्लो करे, लेकिन लिम्फ के लिए हार्ट लिम्फ के लिए लिम्फ को फ्लो करने के लिए हार्ट पंप नहीं करता है। हार्ट का काम ब्लड को ही पंप करने का होता है, कि ब्लड वेसल्स ब्लड को ही फ्लो थ्रू आउट द बॉडी फ्लो करवाता है। लेकिन लिम्फ कैसे फ्लो करते हैं, जो आसपास के जो मसल्स होते हैं ना, उनमें लो प्रेशर की वजह से लिम्फ फ्लो करते हैं। अब ये लिम्फ नोड्स होते क्या है, लिम्फ नोड्स क्या है, स्मॉल इनकैप्सुलेटेड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर हैं, जो कहाँ पर जाएंगे, फाउंड इन वेरियस रीजंस थ्रू आउट द बॉडी। अगर हम बात करें, मान लीजिए लिम्फ वेसल्स हैं, ये लिम्फ वेसल्स हैं। अब इनमें जैसे ये यहाँ पे सब क्या है, ये लिम्फ नोड्स होते हैं यहाँ पे, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग में एक बीड्स की तरह काम है। एक तो वैसे कहा गया है कि ये इनकैप्सुलेटेड बीन शेप्ड होते हैं। अब ये लिम्फ नोड्स किससे बने हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स से बने हुए हैं, जो किससे सराउंडेड है, कैप्स्यूल से है ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। अभी किससे पैक्ड है, लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स से हैं। लिम्फ नोड्स क्या काम करते हैं, ये जो एंटीजन होते हैं उनको ट्रैप करने का काम करते हैं। वो एंटीजन जो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल से एंटर कर रहा है, उसको हाईली एफिशिएंट होते हैं इन ट्रैपिंग द एंटीजन। अभी नोड में अभी लिम्फ नोड्स क्या करेंगे, लिम्फ नोड्स में जो एंटीजन किससे इंटरेक्ट करेगा, मैक्रोफेजेस से, टी सेल से, बी सेल से, और फिर इम्यून रिस्पॉन्स को इंटरेक्ट इनिशिएट करेगा, ठीक। और फिर एंटीबॉडी के प्रोडक्शन काम करेगा, एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल्स हैं फिर आएंगे काम करेंगे। ये क्या है, ये देखिए, ये लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं, इसमें लिम्फ नोड्स हैं। ये देखिए क्या है, इनकैप्सुलेटेड बीड्स हैं, क्या लिम्फ नोड्स, ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये स्प्लीन, बोन मैरो, स्टमक, अभी के एफरेंट, यहाँ से जितने भी जो एंटीजन आएंगे, जो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल, उससे ये काम करेंगे निपटने का। और इसमें क्या होता है कि हार्ट में तो वैसे ये इसमें वेल्व होता है, वन वे वेल्व होता है, कि ये जो लिम्फ जो आ रही है वापस क्या ना ब्लैक बैक फ्लो ना हो जाए, तो ये वेल्व होती है, उसको प्रिवेंट करती है। अब लास्ट है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज क्या होते हैं। देखिए हमें देखा था जो लिम्फोइड ऑर्गेंस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कुछ जो लिम्फोइड ऑर्गेंस होते हैं, मतलब जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो लिम्फोइड ऑर्गेंस में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जो जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेंस होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेंस, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो ह्यूमन बॉडी में कुछ लाइनिंग, किसके लाइनिंग में, कुछ ट्रैक्ट्स के लाइनिंग में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, फिर जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स के लाइनिंग में लोकेटेड होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट कहते हैं। देखिए लिम्फ नोड्स और स्प्लीन ही कोई मतलब यही तो मेन ऑर्गेन नहीं है, जो सेकेंडरी लिम्फोइड को एक माइक्रो एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। जो टी और बी सेल्स जो जोन्स होते हैं, जो लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं ना, वो कहाँ पाए जाते हैं, म्यूकोसल मेम्ब्रेन में पाए, म्यूकोसल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। वो म्यूकोसल मेम्ब्रेन किसकी, डाइजेस्टिव की, रेस्पिरेटरी की, यूरोजेनाइटल सिस्टम की, और साथ साथ में स्किन में भी। तो यानी कि जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन हो गया, जो मतलब जो ये जो म्यूकोसल जो ये जो मेम्ब्रेन है, उसको भी तो चाहिए कि डिफेंड कर सके। ये म्यूकस मेम्ब्रेन भी क्या करें, डिफेंड प्रोवाइड करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट कहते हैं, ठीक।
अब जब ये लिम्फॉइड टिश्यूज जब डिफरेंट डिफरेंट म्यूकोसल एरियाज के साथ एसोसिएट हो जाएगी तो हम इसको स्पेसिफिक नेम्स दे, जैसे एग्जांपल अगर ये कहाँ पे हो जाएगी, रेस्पिरेटरी एपिथीलियम में अगर ये वहाँ पे पाई जाएगी तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, बाल BALT कहेंगे, या फिर हम क्या कहेंगे, नेजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहेंगे, या फिर वो इंटेस्टाइनल एपिथीलियम से एसोसिएट होगी तो हम क्या कहेंगे, गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू GALT कहेंगे। अब उसमें क्या आते हैं, टॉन्सिल्स हो गए, एडिनोइड्स हो गए, स्पेशलाइज ऑर्गेन्स होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, पेयर पैचेस जिसे हम कहते हैं, पेयर पैचेस के एक स्मॉल मास होता है, ये देखिए ये क्या है, बाल्ट लोवर, ये क्या जहाँ पे जाएंगे, ब्रोंकियस में पाए जाएंगे, जहाँ पे रेस्पिरेटरी एपिथीलियम में, इसमें लोअर रेस्पिरेटरी म्यूकोसा हो गया, ब्रोंकियल पैचेस हो गया, नेल्ट में फेरेंजियल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, लिंगल टॉन्सिल, ये स्किन में जो साल्ट साल्ट कहते हैं इसको, देखिए ये प्योर पैचेस होते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा कि क्या क्या सेल्स और ऑर्गेन्स इन्वॉल्व थे। आई नो कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन आप इसको पूरा देखिए। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिए, उसको थरली लर्न करिए, देखिए समझिए, फिर इस सेकेंड पार्ट पे आइए। अब हम लोग इसका जो थर्ड पार्ट होगा वो हम देखेंगे एंटीबॉडी पे देखेंगे, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है। ओके, थैंक यू।